हे गाइस, मैं मनीष चौधरी और आप मेरा व्लॉग आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे होंगे। ये है एक क्विक गाइड रायपुर से थाईलैंड ट्रिप का। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं थाईलैंड जाने के लिए एज अ टूरिस्ट, तो ये आपका एक कंप्लीट गाइड जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ आपको लगेगा, आपको लेके क्या जाना है आपके साथ। पहला चीज़ है करेंसी। आप इधर मार्केट से करेंसी खरीद सकते हैं अगर आपको एक्सचेंज रेट अच्छा मिल रहा है, या आप एयरपोर्ट पे पैसा देके एक्सचेंज कर सकते हैं। पासपोर्ट दिखाना रहता है, वो एक्सचेंज हो जाता है और उसका रेट अगेन आपके ऊपर है। आप देख सकते हैं वहाँ पे, या ऑनलाइन आजकल तो दिख ही जा रहा है कौन सा कंपनी कितना में दे रहा है। यूजुअली कोलकाता से ही आप जाने वाले हो तो सेंचुरियन का है, तो सेंचुरियन आप देख लेना ऑनलाइन, आपको वहाँ का एक्सचेंज रेट आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। दूसरा है डेबिट कार्ड। आपका डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैंक को बोल के उसका अपग्रेड कर दीजिए, एक हफ्ते में वो लोग अपग्रेड करके आपको नया कार्ड भेज देते हैं। दवाई, वहाँ पे मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़े दवाई ले जाओ, सैरिडॉन नहीं क्रोसिन ले जाओ। आपका बीपी का कोई दवाई हो या शुगर का कुछ हो या ऐसा कुछ भी हो, क्रोसिन तो आप ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो आपको क्रोसिन काम आएगा। एक दो पत्ती लेके चले जाना, आपको ही नहीं तो किसी और को काम आ जाए, इसलिए क्रोसिन मत भूलना। तो इन जनरल दवाई लेना आप मत भूलना, साथ में ले जाना। सिम कार्ड, सिम कार्ड आपको अलग अलग ऑप्शंस है। इधर आप अगर जैसे एयरटेल यूज़ करते हैं तो एयरटेल वाले को कॉल करके बोल सकते हैं आपको रोमिंग चाहिए, एंड आपको प्लान्स बता देंगे। आप इंटरनेशनल रोमिंग उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। वो आपको ₹500 भी लग सकता है, ₹2,000 भी लग सकता है। उसमें इनकमिंग आपका फ्री है। सौ मैं यूजली 100 या शायद ₹200 में इंटरनेशनल रोमिंग चालू कर देता हूँ, ताकि मेरा फ़ोन में इनकमिंग आए। ठीक है, आउटगोइंग में नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट इनकमिंग आए, इसके लिए मैं इंटरनेशनल रोमिंग ₹200 समथिंग देके चालू कर देता हूँ 1 महीना का, या जैसे। लेकिन आपको 1 हफ्ता या अकॉर्डिंग टू योर प्लान आपको लेना पड़ेगा। या आप अगर आप आउटगोइंग भी करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल प्लान आप अपने प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं। या कलकत्ता एयरपोर्ट में आपको मेट्रिक्स का सिम कार्ड मिल जाएगा, वो अगेन दाम 1500 से 2000 तक में जाता है। आप कुछ भी वहाँ का प्लान देख के आप वो खरीद सकते हैं, ताकि आपको वो लोग एक अलग सिम कार्ड दे दे, तो आप एयरपोर्ट पहुँचते ही आपका सिम जो है चालू रहेगा और आप कॉल्स करना शुरू कर सकते हैं। इंडिया कॉलिंग के साथ वो रहता है। तीसरा ऑप्शन है, आप वहाँ पहुँच के लोकल में जाके आप डीटैक का सिम खरीद सकते हैं। मैं यूजुअली डीटैक का खरीदता हूँ, क्योंकि वो मेरे को सस्ता पड़ता है, नेटवर्क उसका बहुत फास्ट है, इंटरनेट बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी है, अब बहुत पुराना है, तो मैं डीटैक का सिम खरीदता हूँ। वो भी एयरपोर्ट पे नहीं, एयरपोर्ट से बाहर निकल के दुकान जाके, क्योंकि दुकान में जो मिलता है प्लान्स वो आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। टूरिस्ट सिम में, टूरिस्ट सिम थोड़ा महंगा पड़ जाता है, मेरे को यूजुअली पड़ता है 1000 से 1200 अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ। आप उससे सस्ते में भी आप वहाँ जाके ले सकते हैं, 500 तक में भी आपको मिल जाता है सिम कार्ड विथ इंटरनेट एंड कॉलिंग। अडाप्टर, यूजुअली सारे होटल्स और सब जगह आपको हॉस्टल में भी आपको एडाप्टर का आपका आपका नॉर्मल चार्जर काम कर देना चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रखें, वहाँ पे 3 पिन काम नहीं आता, आपको 2 पिन यूज़ करना रहता है। 2 पिन चार्जर आजकल हर मोबाइल का रह गया है, तो आप या ये ध्यान रखना आपको 2 पिन आपका चार्जर होना चाहिए। अगर 3 पिन है तो एडाप्टर आप इंडिया से लेके जाए, या वहाँ जाके 50 बात में आप वहाँ खरीद सकते हैं। कहीं भी किसी भी दुकान में 50 बात बस उसमें आपको मिल जाएगा। कैमरा एंड मेमोरी कार्ड, कैमरा एंड मेमोरी कार्ड लेना मत भूलिएगा। आई एम श्योर आप लैपटॉप लेके जाने वाले नहीं हैं, इन केस अगर आप लैपटॉप नहीं ले जा रहे हैं तो मेमोरी कार्ड लेना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर वहाँ जाके आपको दुकान खोजना पड़ेगा नया मेमोरी कार्ड के लिए। तो अच्छा खासा 2-3 मेमोरी कार्ड, अच्छे मेमोरी मतलब 128 GB या जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको ले लीजिएगा। एंड कैमरा विद बैटरी, वाटरप्रूफ बैग, क्योंकि थाईलैंड पूरा पानी वाला है। आप ऑब्वियसली पटाया जाएंगे तो वहाँ पानी में ही रहेंगे, पानी के आसपास ही रहेंगे, तो आपको एक वाटरप्रूफ बैग ले जाना ज़रूरी रहेगा। वाटरप्रूफ ही सिर्फ पानी के लिए नहीं, यूजली आप कैरी भी अगर कर सको, आपका वॉलेट, पासपोर्ट और क्या क्या दवाई और बहुत कुछ है जो आप कैरी कर सकते हैं,
तो एक वाटरप्रूफ बैग साथ में जरूर रख लीजिएगा। अभी आपका ट्रैवल प्लान, अभी आप दो तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, रायपुर से थाईलैंड या इंडिया से थाईलैंड। मैं क्योंकि रायपुर में हूँ तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा आपको रायपुर से थाईलैंड का, लेकिन आप अपना इंडिया से थाईलैंड का भी आप अज्यूम करके चल सकते हैं। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आपको इस वीडियो में सारा डिटेल मिल जाएगा। तो ट्रैवल प्लान ये है रायपुर से थाईलैंड के लिए। आप दो तरीके से आप वहाँ का प्लान कर सकते हैं, एक आप टूर्स एंड ट्रैवल यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप ओन ट्रैवल कर सकते हैं, ओन अकोमोडेशंस, ओन अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल यूजली मैं अतिथि देवो करके टूर्स एंड ट्रैवल्स है रायपुर में, मैं उनके थ्रू बुक कर लेता हूँ, क्योंकि आसान पड़ता है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या बड़ा ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो आसान पड़ता है, क्योंकि वो आपका सारे अरेंजमेंट्स पहले से करके रखते हैं। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता, कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं रहता, आप बस पेमेंट कर दो। उनका पैकेज क्या है आप उनसे पूछ के, या आप क्या चाहते हैं वहाँ क्या करना चाहते हैं वो उनको बताएंगे, तो पैकेज वो आपके हिसाब से उसको चेंज करके आपको बता देंगे। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स आप उनके साथ भी जा सकते हैं, उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी, अगर हो सके मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, यूजली डिस्क्रिप्शन पे आप देख लीजिएगा उनका डिटेल्स। टूर्स एंड ट्रैवल वाले पैकेज में आपको यूजुअली क्या मिलता है, ये है आपका कंप्लीट पैकेज रहता है। पहला चीज, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। बैंकॉक से पटाया का आपका ट्रांसपोर्ट, पटाया से बैंकॉक वापस वहाँ का ट्रांसपोर्ट, आपका बैंकॉक होटल से वापस एयरपोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट, वो पूरा सर्कल का जितना है पूरा टूर्स एंड ट्रैवल्स ही आपका देखेंगे। पटाया आपको लेके जाएंगे, बैंकॉक पे आप उतरोगे पहला, बैंकॉक से आप जाओगे पटाया, पटाया में आपको कोरल आइलैंड दिखाएंगे, आपको रूम अरेंज करके देंगे ऑन शेयरिंग बेसिस, डिनर एंड ब्रेकफास्ट यूजली इंक्लूडेड रहता है, बट अगेन डिपेंड करता है आपके पैकेज के ऊपर। अलकाजर शो दिखाते हैं, सफारी वर्ल्ड होता है, और सारे ट्रांसपोर्ट जैसे अगर आप अलकाजर शो जा रहे हैं तो होटल से अलकाजर शो जाने तक का आपका ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से रिटर्न का ट्रांसपोर्टेशन, अगेन कोरल आइलैंड का, आपको होटल से कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड से वापस होटल तक का सारा ट्रांसपोर्ट वही देखते हैं। होटल में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है एंड आपका पैकेज के मुताबिक आपका लंच डिनर शायद इंक्लूडेड हो या ना हो, अगेन वो आपके पैकेज में डिपेंड करता है। पटाया से आपको बैंकॉक जाने का ट्रांसपोर्ट भी उसमें इंक्लूडेड रहता है, बैंकॉक में आपको शायद गोल्डन टेम्पल दिखाएंगे एंड शॉपिंग का लोकेशंस पे आपको लेके जाएंगे, इंदिरा मार्केट हो गया या आपको मॉल्स हो गए, प्लैटिनम मॉल हो गया, तो वो लोकेशन आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको शॉपिंग कराएंगे, और वहाँ का भी ट्रांसपोर्ट पैकेज में शायद इंक्लूड रहता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज। तो ये सब आपका पैकेज इंक्लूडेड रहता है, तो आपको कोई हेडेक नहीं लेना रहता, सब टूर्स एंड ट्रैवल्स आपका अरेंज कर देंगे, आप आराम से जाइए शॉपिंग करिए और वापस होटल पहुंचिए, रिलैक्स कीजिए। जब आपका बैंकॉक का ट्रिप ख़त्म तो आपको वापस एयरपोर्ट छोड़ देंगे, एयरपोर्ट से सीधे रायपुर एयरपोर्ट, मतलब बैंकॉक से कैलकटा, कैलकटा टू रायपुर, ये है आपका टूर्स एंड ट्रैवल का अगर आप जाते हैं। एक पैकेज रहेगा 25,000, 30,000, इसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। रूम शेयरिंग बेसिस पे रहता है, अगेन आपका जो पैकेज है वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं। तो ये था बस टूर्स एंड ट्रैवल्स का। अब बात करते हैं ओन ट्रैवल का। अगर आप ओन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जाने से पहले आपको आपका होटल बुकिंग पहले से करना है, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। वीज़ा का बात करें तो वीज़ा दो तरह का है, तीसरा एक है लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। एक आप इंडिया से वीज़ा करा के जा सकते हैं, इंडिया का कोई भी VFS ऑफिस पे अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के अपना पासपोर्ट उनको भेज देते हैं कोरियर में, ब्लू डार्ट, फेडेक्स, ऐसा सिक्योर्ड कोरियर से भेज देते हैं, तो वो आपको थाईलैंड वाला वो वीज़ा स्टाम्प करके आपको भेज देंगे, वो आपको 1500-1600 रुपये आपको लगेगा उतना ही। दूसरा है आप बैग उठाओ थाईलैंड के लिए निकल जाओ,
बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही आपको एक फोटो एंड वीजा ऑन अराइवल फॉर्म आपको भर के 2,000 बात आपको जमा करने होते हैं। आपको फ्री वाला लाइन पे खड़े रहना, 1 घंटा या ऐसा कुछ लगता है आपको काउंटर तक पहुंचने के लिए। वहां जाके आप 2,000 बात जो कन्वर्जन पे देखे तो 4,000 तक लग जाता है, 4,000 रुपये लगता है, 4,000, 4,500। 2,000 बात जमा करने रहते हैं और 1-2 घंटे में वो आपको वीजा ऑन अराइवल का सील मार के आपको दे देता है। उसी एयरपोर्ट में एक और ऑप्शन है जल्दी का, वीआईपी वाला या तत्काल जो हम बोलते हैं। 2,200 बात अगर आप देते हैं तो आपका वो तुरंत तुरंत आपका स्टैम्पिंग डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपका पासपोर्ट में तुरंत वीज़ा का स्टैम्पिंग करके आपको तुरंत दे देंगे ताकि आप इमिग्रेशन क्लियर करके आप एंटर कर लो थाईलैंड। तो ये दो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो मैं बोल रहा था वो ई वीज़ा का है, जो कुछ कंट्रीज़ के लिए अभी थाईलैंड चालू कर दिया है, इंडिया के लिए शायद अभी नहीं किया है। जब वो चालू करेगा तब ऐसा होगा, आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं और आपको लेटर अप्रूवल के बाद आपको एक लेटर भेजेगा ईमेल में, उसको बस आप कैरी करके डायरेक्ट आप इमिग्रेशन पे जा सकते हैं। आपको वीज़ा ऑन अराइवल का ज़रूरत नहीं है। जब आप थाईलैंड पहुँचते हैं इमिग्रेशन के ठीक पहले आपको वीज़ा ऑन अराइवल का जगह मिलता है, जो आप ऊपर पढ़ सकते हैं, ऊपर में लिखा रहता है वीज़ा ऑन अराइवल का सेक्शन कहाँ पे है। तो आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, सब कुछ आपको एरो दिखा के बताते हैं कि किधर है किधर है किधर है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा वीजा ऑन अराइवल में। फोटो आप कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए, भले फॉर्म में आपको अलग साइज बताते हैं बट कोई भी फोटो आप डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिखाना रहता है आपका होटल का बुकिंग, आपका फ्लाइट का टिकट कि आप कब जा रहे हैं एंड क्या कैसे कर रहे हैं। वीजा ऑन अराइवल आपको 14 डेज का देते हैं। अगर आप ऑन अराइवल लेते हैं तो 14 डेज रहता है, पर 13 दिन मान के चलिए। अगर आप यहाँ से करके जाते हैं, इंडिया से वीज़ा लेके जाते हैं, तो 30 डेज तक आपको मिलता है। तो वो आप ध्यान रखें, 14 डेज एंड 30 डेज, वहाँ जाके वीज़ा लेंगे तो 14 डेज, और 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक प्लान कर लीजिएगा। होटल बुकिंग, आपका पासपोर्ट, फोटो विथ फॉर्म एंड आपका फ्लाइट टिकट्स, ये 4 चीज़ आपको ज़रूरत है। अगर आप तत्काल में करते हैं तो यूजली वो आपको होटल बुकिंग भी नहीं पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है एज पर थाई एम्बेसी। चलिए तो ओन अरेंजमेंट देखेंगे। तो बुकिंग होटल ऑनलाइन, आपको अपना सारे होटल बुकिंग ऑनलाइन करने हैं। करेंसी आप अगेन यहाँ से एक्सचेंज करा सकते हैं इंडिया में ही, या आप एयरपोर्ट पे जाके आप पूरा करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो 200 से 400 बात एक्स्ट्रा काट लेता है वहाँ का बैंक। तो 400 रुपये मिनिमम वो लोग काटेंगे। जैसे 10,000 बात अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको वो 200 बात और एक्स्ट्रा काट लेगा आपका डेबिट कार्ड से, वो उनका चार्ज रहता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड रखें तो वो हर जगह काम करेगा एंड बैंक के एक्सचेंज रेट पे वो चलेगा, जो थोड़ा महंगा, मतलब महंगा नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट एक्सचेंज रेट का ही वो रहता है। एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है, जैसे 1 का 2 नहीं है, तो 2 एंड प्लस उनका चार्जेस रहता है, तो थोड़े डिफरेंट है रेट्स। आप अपना बैंक का देख के जा सकते हैं या इट्स ओके, आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड डायरेक्टली आप स्वाइप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी आप डायरेक्टली स्वाइप कर सकते हैं, या कैश निकालना हो तो 200 बात देके हर ट्रांसैक्शन का 200 बात या 400 बात जिस एटीएम को आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर है, तो एक्स्ट्रा पे करके आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इधर कैश यहाँ से एक्सचेंज करा के ले जाइए, या वहाँ पे जाके आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आपको आएगा टुक टुक, बस या बस, ट्रेन या टैक्सी। जैसे ही आप बैंकॉक एयरपोर्ट में पहुंचते हैं एंड अगर आप पटाया जा रहे हैं, तो आपको बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया के लिए बस है जो अराउंड 120 से 180 बात लेता है, तो 500 रुपये पकड़ लीजिए। 500 बात बस का लगता है आपको एयरपोर्ट से। आप जैसे ही एयरपोर्ट में पहुंचोगे, इमिग्रेशन क्लियर करोगे, तो ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट
या -1 जो बोलेंगे, वहाँ पे आपको आपका बस का बस वाले का सर्विस है, वहाँ पे आपको बुकिंग करना रहता है। एंड बाई सुबह के 6 बजे वो लोग 6 से 8 बजे अपना वो सर्विस चालू करते हैं। रात को पूरे टाइम नहीं रहता है, 10 या 12 बजे तक शायद वो लोग कंप्लीट कर देते हैं अपना ट्रिप। तो रात को एनी टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन सुबह 6 या 8 बजे से उनका सर्विस के ऊपर ही अगेन वो दे रहे हैं कि नहीं, तो सुबह आपको मिल जाएगा बस सर्विस एयरपोर्ट से ही। या अगर आप चाहो तो आप टैक्सी लेके जा सकते हैं, टैक्सी आपको पड़ेगा 1400 से 1500 बात। सेम अंडरग्राउंड में ही, बेसमेंट में ही आपको टैक्सी स्टैंड भी है। जैसे आप एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो बाहर ही टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं कि आपको पटाया जाना है, वो आपको बता देंगे, कौन आपको पर्ची देंगे, वो पर्ची लेके आप देंगे टैक्सी ड्राइवर को जो सामने ही लाइन में खड़े रहेंगे, और वो आपको चार्ज करेगा, आप उसको डायरेक्टली पे करेंगे। वो आपको लगेगा 1400 से 1500 बात, 2 से 3 घंटे का ट्रिप है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा टैक्सी ले रहे हैं। आप यहाँ से बुक करके जा रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें भी आपको, उसमें आपको 2000 बात लगेगा। सिटी टैक्सी अगर आप लेते हैं तो 1400 से 1500 बात। ये भी नहीं, आपको ऑनलाइन मोबाइल पे करना है तो एयरपोर्ट में ही वाईफाई अवेलेबल है, फ्री वाईफाई है। अगर आप चाहो तो एयरपोर्ट का वाईफाई चालू करके अपने मोबाइल पे ग्रैब टैक्सी के थ्रू आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ग्रैब टैक्सी जो है ओला है, ओला जैसा है थाईलैंड में। ऊबर चलता था, अब ऊबर काम नहीं कर रहा है थाईलैंड में, अभी है सिर्फ ग्रैब। तो GRAB, ग्रैब टैक्सी आप वहां पे यूज कर सकते हैं ट्रैवल के लिए। कहीं भी जाना हो, आपको मोटरसाइकिल भी चाहिए, मतलब मोटो टैक्सी भी चाहिए, मोटरसाइकिल टैक्सी तो ग्रैब में अवेलेबल है। आपको कार टैक्सी चाहिए वो भी ग्रैब में अवेलेबल है। मैं यूजुअली एयरपोर्ट का वाईफाई चालू करके, वो फ्री रहता है 1 घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए, वो फ्री रहता है। तो जैसे इमिग्रेशन कंप्लीट होता है मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ और अपना ग्रैब टैक्सी बुक करके मैं निकल जाता हूँ। ग्रैब टैक्सी भी आपको 1500 से 1600 आपको चार्ज करेगा, आपको आपके एप्लीकेशन पे दिख जाएगा कि आपको कितना खर्च होगा। तो अगर आप 2 से 3 लोग हो तो आप शेयर कर सकते हैं, तो वो रहा आपका ऑप्शन। मैं यूजुअली ग्रैब सब जगह यूज़ करता हूँ जाने के लिए जब मैं थाईलैंड में रहता हूँ, बट आपको वो यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप इधर ग्रैब टैक्सी यूज़ कर लो या सिटी टैक्सी यूज़ कर लीजिए। सिटी टैक्सी आप ये समझ के चलो कि 50 से 60 बात आपका मिनिमम है जो आपको देना ही है। अगर आप टैक्सी पर बैठ गए तो मिनिमम चार्ज जो है 60 से 70 रुपये है, वो दैट इज़ अराउंड 50 बात मान के चलिए, 50 बात आपको देने ही देने हैं। होटल बुकिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं। होटल आपको अच्छा से अच्छा होटल आपको 1500 बात में मिल जाएगा, डबल बेड, तो आप 2 लोग एक रूम में रह सकते हैं। तो 1500 मतलब 3300 डिवाइडेड बाई 2, तो 1500 पर हेड। या आप हॉस्टल ले सकते हैं जो आपको 250 से लेके 1000 रुपये तक में आपको मिल जाएगा पर हेड। तो हॉस्टल 250-2000 और होटल करते हैं तो 1500 से जितना, मतलब जैसा आप होटल ले रहे हैं उतना तक आपको महंगा पड़ेगा। इंटरनेट आपको हर होटल में आपको मिल जाएगा, या जहाँ भी जा रहे हैं आपको, जिस जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी जगह पे घुसेंगे, जैसे मॉल गए आपको इंटरनेट फ्री है, होटल में आपको इंटरनेट फ्री है, कोई कॉफ़ी शॉप गए इंटरनेट फ्री है, आप KFC या मैकडोनल्ड्स गए इंटरनेट वहाँ पे भी फ्री है। यूजुअली आपको सब जगह इंटरनेट फ्री मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बाहर आके सिम कार्ड खरीद रहे हैं डीटेक का, तो आप उसका भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद से। खाना, खाना को अगर आप देखेंगे तो वहाँ यूजुअली पोर्क ज़्यादा खाते हैं थाईलैंड में, तो आप कुछ भी खाने से पहले एक बार ज़रूर पूछे, क्योंकि याद रखे जैसे यहाँ पे चिकन मछली एकदम, मछली भी छोड़िए चिकन जैसे एकदम कॉमनली मिल जाता है हर फूड आइटम में, वहाँ पे कॉमन पोर्क है, तो आप पूछ के खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टेंशन ना ले, आपको वेजिटेरियन फूड भी आपको वहाँ मिलेगा, काफ़ी सारे ठेला भी मिलेगा जहाँ पे आपको फ्रूट का सैलेड बेचता है,
बहुत यम्मी रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आप वहां से भी आप फ्रूट सैलेड उठा सकते हैं, या आपका होटल जो है वहां पे आपको वेजिटेरियन फूड भी अरेंज करके देते हैं। आपका ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन रहेगा, अगर आप बोलेंगे तो आपको लंच भी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, या इंडियन होटल्स बहुत है वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स, आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी जा सकते हैं। ये भी अगर आपको नहीं पुसाता है तो आप किसी भी 7-Eleven में जाए, याद रखें फैमिली मार्ट वहाँ पे महंगा है, किसी भी 7-Eleven के अंदर घुस जाए वहाँ पे आपको खाने पीने का भी कुक्ड फूड आपको मिल जाएगा। बर्गर भी अगर आप चाह रहे हैं तो वहाँ पे बर्गर, सैंडविच, ये सब भी आपको कुक्ड मिल जाएगा। फ्रूट्स जैसे बोले, आपको रोड साइड में कई ठेला मिलेंगे, सब एकदम यम्मी टेस्ट रहेगा, अच्छा क्वालिटी का है वहाँ का, अपने टाइप नहीं है, वहाँ पे सब अच्छे क्वालिटी है, चाय कॉफ़ी सब वहीं पे मिल जाएगा आपको। 7-Eleven यूजुअली आपको सब वहीं पे मिलता है, या रोड साइड में आप देखते रहो, कोई ना कोई आपको मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बेचते हुए। तो फूड 7-Eleven, रेस्टोरेंट या रोड साइड का कोई भी ठेला। रेस्टोरेंट जाते हैं आपको 300 से 500 बात तक आपको खर्चा हो जाएगा इजीली। 7-Eleven जाते हैं तो 100, 100, 150 बात मैक्सिमम मेरे को लगा एक टाइम का खाना के लिए। एंड अगर रोड साइड खाते हैं तो अगेन 100 बात, गर्मा गर्म हो या जैसा हो। जैसे मैं एक बार पैट थाई खाया था, 40 बात मेरे को लगा, 50 बात अंडा का ऑमलेट के साथ, तो अंडे के साथ। तो अगेन वेजिटेरियन का भी सेम है, 20 बात में आपको मिल जाएगा फ्रूट सैलेड, या कॉफ़ी पी रहे हैं तो 10 से 20 बात में आपको मिल जाता है। तो वो रहा खाने का। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आप खुद से जा रहे हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट आपको पटाया में बात बस करके है, टुक टुक नहीं, बात बस है, एक बड़ा सा एक वैन टाइप है जिसमें पीछे खाली रहेगा, लोग बैठे रहेंगे कुर्सी में, वो आप ले सकते हैं। याद रखे कभी भी उस गाड़ी में कभी भी ड्राइवर के पास जाके मत पूछे कि क्या आप मेरे को ये होटल में छोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप अगर गलती से भी वो करते हैं तो 10 बात के जगह आपको 40 बात वो बोलेगा। भले आपको वो होटल के आसपास छोड़ जाएगा लेकिन आपसे 3-4 गुना ज़्यादा पैसा लेगा। बेस्ट तरीका है बात बस यूज करने का, आप रोड साइड में खड़े होकर बस हाथ दिखा दे, हाथ जैसे दिखाएंगे तो वो रोक देगा, आप चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ, ठीक है। जहां आपको उतरना है, अगर आप रास्ता देख लिए हो, आपको समझ में आ रहा है रास्ता, जहां उतरना है आप घंटी, पीछे घंटी रहता है, आप घंटी बजा देंगे तो वो तुरंत आपको रोक देगा। एंड आप बात बस से नीचे उतर जाइए, खिड़की के पास जाइए, खिड़की के पास जाके ड्राइवर को 10 बात, ध्यान रखे 10 बात एग्जैक्ट दे देना, उससे थोड़ा भी ज्यादा देंगे तो वो आपको चेंज वापस नहीं करेगा, याद रखे 10 बात अपने पास रखें और 10 बात ही उसको दे। कभी कभी ड्राइवर चेंज दे देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग नहीं देते हैं। ये आप अपने इंटरनेट को यूज करके भी GPS ऑन रख सकते हैं, क्योंकि बात बस जो है एक सर्कल ऐसा घूमते हैं, या उनका एक सर्कल रहता है, वो सर्कल में आप देखते जा सकते हैं, जहां आपको लगे कि आपका एरिया क्रॉस कर रहा है आप बटन दबा के रुक जाइए, और फिर रोड क्रॉस करना है जैसा आपको समझ में आए, आप बात बस लेके आप घूम सकते हैं पूरा पटाया। 10 बात लगता है। अगर आपको बात बस नहीं चाहिए तो मोटो टैक्सी आपको हर गली में मिलेंगे, ऑरेंज कलर का वो वेस्ट कोट पहने होंगे, और वो आपको मोटरसाइकिल में एक ही आदमी बैठ सकता है, यूजुअली थाई लोग दो तीन दो बैठे रहते हैं कभी कभी, बट वो लोकल है इसीलिए उनका वो चलता है, बट टूरिस्ट को वो अलाउ नहीं करते। होटल, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी आप बात पूछेंगे कि होटल कहाँ पे ले, तो पटाया में आपको होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग करना है वॉकिंग स्ट्रीट के पास, कि वो मेन टूरिस्ट एरिया है, आपको सस्ता भी मिल जाएगा और सब कुछ वहीं पे है। वॉकिंग स्ट्रीट में ही पियर है, क्योंकि जहाँ पे आप फेरी पकड़ के कोरल आइलैंड खुद जा सकते हैं, पियर पे आपको टिकट मिल जाएगा 30 से 40 बात का, एक बड़ा सा बोट जाता है, स्पीड बोट करेंगे तो 600 से 800 रुपये तक वो ले सकता है, या उससे ज़्यादा भी ले सकता है स्पीड बोट। आप फेरी ले बेटर है, या स्पीड बोट लेंगे जल्दी पहुंचेंगे लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा, 1000 बात ऐसा कुछ लगेगा। बैंकॉक में
सुकुमवित सॉय पे अगर आप रूम लेते हैं तो वो बैचलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, या अगर आप फैमिली वाले हैं, आप वो एनवायरनमेंट नहीं चाहते हैं, तो याद रखें कहीं पे भी बैंकॉक में आप रूम ले ले, लेकिन सुकुमवित सॉय से दूर रहे, क्योंकि वो सिर्फ बैचलर लोगों का जगह है और वहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है बैचलर लोगों का। तो पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट एंड बैंकॉक में सुकुमवित सॉय, ये है। अगेन पटाया में अगर आप कोई अच्छा होटल चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट से दूर भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें आपको दोबारा आना वॉकिंग स्ट्रीट ही है, क्योंकि आपका फेरी वहीं पे है, आपको जहाँ भी जाना है आपको फेरी वहीं से मिलेगा, बोट वहीं से शुरू होगा। बीच, बीच का बात करें तो पटाया में जोमितम बीच है, जो फैमिली फ्रेंडली बीच है। जोमितम थोड़ा अलग दूर रहता है, आप पटाया के वो मेन एरिया से कोई भी बात बस लेके आप वहाँ पहुँच सकते हैं, या टुक टुक या टैक्सी कर सकते हैं, आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो आपको पटाया बीच वहाँ का फेमस है। पटाया बीच में पूरा क्राउड जो है शाम को ही शुरू होता है, 5-6 बजे से क्राउड वहाँ पे आना शुरू, पूरा खाना पीना डांस वांस वो सब कुछ शुरू कर देते हैं, पूरा बैचलर्स वाला एरिया हो जाता है वो पटाया बीच। दिन के टाइम जाएंगे तो आप आराम से बीच पे बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मज़ा आएगा। आप फैमिली जैसे बोला, अगर आप फैमिली हो तो पटाया में जोमितम बीच चले जाइए। किसी को भी पूछ लीजिएगा जोमितम बीच कहाँ है, वो आपको बता देगा, आपको वहाँ जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, आपको लेटने के लिए वो इजी चेयर एंड सब कुछ मिल जाएगा। ये था बस लोकेशंस पटाया बीच का। याद रखें वॉकिंग स्ट्रीट जो है रात के 10 बजे से 2 बजे तक चहल पहल रहता है, 6 बजे तक भी चलता है, लेकिन मेन क्राउड जो है 8 बजे के बाद आना शुरू होता है वॉकिंग स्ट्रीट में। दिन के टाइम जाएंगे तो सब कुछ बंद रहेगा, दिन के टाइम पटाया वॉकिंग स्ट्रीट में कोई काम नहीं है। दिन के टाइम आप जा सकते हैं कोरल आइलैंड, या अगर आप सफारी जाना चाहते हैं तो सफारी, या कोई भी लोकल अगर आप घूमना चाहते हैं तो कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। जोमितम बीच, पटाया बीच, मॉल, म्यूजियम भी है एंड फ्लोटिंग मार्केट है, कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ पटाया में भी फ्लोटिंग मार्केट है। तो दिन के टाइम आप यहाँ सब घूम सकते हैं, रात के टाइम वॉकिंग स्ट्रीट है मेन एरिया जहाँ पे चहल पहल होता है। अगर आप और थोड़ा पैसा रखे हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, तो आप बीच पार्टीज भी आप इंजॉय कर सकते हैं पटाया में, जो वॉकिंग स्ट्रीट से दूर रहता है, वो एक आइलैंड में रहता है। उसका डिटेल आप पटाया जाके कहीं पे भी आप पूछ के समझ सकते हैं कि वहाँ क्या है, कब है, क्या पार्टी है, कहाँ पे है और कैसे जाया जाता है, इन सब फुल मून पार्टीज और बीच पार्टीज ये सब के लिए। वॉकिंग स्ट्रीट और वो डिफरेंट है। वॉकिंग स्ट्रीट आप देखें तो वॉकिंग स्ट्रीट में आपका बार बार है, डिस्कोज है, खाने का एक दो जगह है, पूरा एक लंबा सा स्ट्रीट है, सीधा स्ट्रीट, वहाँ पे आपको सब वहीं पे मिलते हैं, पूरा टूरिस्ट आपको वहीं पे दिखेगा। अगर आप बैचलर हैं आप वहाँ ज़रूर जाइए, आपको वहाँ से कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बैंकॉक में आपको, बैंकॉक अगर पटाया से जाना है तो बैंकॉक पटाया बस स्टैंड से बैंकॉक जाने का सर्विस है, आपको अगेन 120 से 180 बात लेगा बस टिकट, 3 घंटा लगेगा पटाया से वापस बैंकॉक बस स्टैंड के लिए। वहाँ पे वैन भी मिलता है जो 150 से 200 बात लेते हैं वैन में आपको छोड़ने के लिए बैंकॉक। आपको होटल तक नहीं छोड़ेगा, आपके एरिया, अगर आपका होटल उनके रास्ते में पड़ता है तब होटल पे ड्रॉप करेंगे, या बैंकॉक तक आपको लेके जाएंगे। आप बोल सकते हैं आप कहाँ जाना चाह रहे हो और वो जो क्लोजेस्ट है आप वहाँ तक आपको वो छोड़ देगा, उधर से आप टैक्सी कर लेना या टुक टुक कर लेना। टुक टुक यूजली एक्सपेंसिव है, मतलब वो टूरिस्ट हो बोल के आपको वो ज़्यादा पैसा मांगेगा, अपने ऑटो टाइप है वो लोग, तो अगर आप उनसे हैगल कर उनसे आप निगोशिएट करना चाहते हैं प्राइस, निगोशिएट कर ले, या बस टैक्सी, कोई भी टैक्सी करके आप चले जाए। टैक्सी ध्यान रखे मीटर वहाँ काम करता है, मीटर में ज़रूर देखे कि कितना चार्ज लग रहा है, उसका ध्यान आपको रखना है। तो
वैन है, अगर आपको ट्रेन चाहिए, यूजली प्रिफर नहीं करूँगा, लेकिन ट्रेन भी है। एक लोकल पैसेंजर ट्रेन जाता है पटाया से बैंकॉक के लिए, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। आप इधर बस ले लेना या वो वैन ले लेना, क्योंकि टैक्सी अगेन 2000 बात लगेगा एंड वो वर्थ नहीं है। सुबह आप पटाया से निकलो, वहाँ बैंकॉक में आपका चेक इन जो है होटल हो या कुछ भी हॉस्टल हो, 12 बजे के बाद चेक इन है। तो आप सुबह आराम से निकलो और वहाँ जाके लंच के बाद वहाँ होटल में आप चेक इन कर लो। वैन या बस, बस सस्ता है, वैन थोड़ा महंगा है। वैन 2 घंटे में पहुँचाएगा, बस 3 घंटे में पहुँचाएगा। एक बार आप बैंकॉक पहुँच जाओ तो बैंकॉक में देखने लायक जो है, आपको नॉर्मल टूर पैकेजेस में ये दिखता ही है, दिखाते ही है, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल याद रखे, गोल्डन टेम्पल का एंट्री 500 बात है, 1200 या 1300 रुपये इंडियन रुपीस। तो गोल्डन टेम्पल देखने के लिए है। अगर आप होलसेल मार्केट देखना चाहते हैं तो बोबे करके, बॉबी या बोबे जैसे आप बोलो, बॉबी मार्केट है। बॉबी मार्केट पूरा होलसेल है। रात के सुबह के 2 बजे से 8 बजे तक या 10 बजे तक मार्केट खुला रहता है होलसेल वाला, उसके बाद सब बंद कर देते हैं। कुछ लोग खुला रखते हैं लेकिन यूजली बंद हो जाता है। इंदिरा मार्केट, अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो इंदिरा मार्केट ज़रूर जाएं। इंदिरा मार्केट में आपको सस्ता में आपको कपड़ा मिल जाएगा। रिटेल टूरिस्ट के लिए वो बेस्ट जगह रहता है इंदिरा मार्केट, बहुत सस्ता सस्ता है। तो इंदिरा मार्केट आप चले जाएं, अगेन टैक्सी या मोटरबाइक टैक्सी या टुक टुक या बस या ट्रेन, आपका एमआरटी भी है आपके होटल के पास में। अगर एमआरटी स्टेशन है तो आप गूगल में आप चेक कर लीजिएगा, आपका गूगल मैप्स में एमआरटी का भी ट्रेन का भी सेक्शन रहता है, उसमें आपको ट्रेन का पूरा दिखाएगा कि कौन सा ट्रेन पकड़ के एक्सचेंज, कौन सा चेंज करना है, और आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ट्रेन भी आपको अवेलेबल है जो सस्ता है एंड जल्दी पहुँचाता है। इंदिरा मार्केट सब सिटी के अंदर ही है सब कुछ। एमबीके मॉल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एमबीके मॉल में खरीद सकते हैं, या किसी भी मॉल पे जाके पावर बाई खोजे, वो दुकान का नाम है पावर बाई, वहाँ जाए आप कुछ भी खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। कपड़ा के लिए और एक मशहूर है प्लैटिनम मॉल, लेडीज़ के लिए यूजुअली प्लैटिनम मॉल फेमस है। सिर्फ प्लैटिनम नहीं, लेडीज़ के लिए इंदिरा मार्केट प्लैटिनम दोनों ही फेमस है। वहाँ लेके जाएँ या वहाँ जाके आप लेडीज़ के लिए कपड़े आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे दाम में मिलेंगे। इंदिरा मार्केट में आप निगोशिएट कर सकते हैं, प्लैटिनम मॉल में उनके ऊपर है। काफ़ी लोग फिक्स्ड प्राइस में बेचते हैं, कम ही रहता है लेकिन फिक्स्ड प्राइस में बेचते हैं। तो इंदिरा मार्केट आपका यूजुअली निगोशिएशन वाला जगह है, प्लैटिनम मॉल में ओके ओके है, मतलब शायद निगोशिएट करे शायद नहीं, वैसा सिचुएशन रहता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें जीएसटी का, जीएसटी आपको रिफंड आपको देता है। पावर बाई से आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको जीएसटी रिफंड वो लोग करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, आपको उनको पासपोर्ट देना रहता है, वो लोग आपका पासपोर्ट लेके जीएसटी रिफंड का फॉर्म भर के देंगे और आपको बिल के साथ वो स्टेपल करके दे देंगे। उसको आप एयरपोर्ट ले जाओगे, एयरपोर्ट में अंदर आप इमिग्रेशन जब कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, तो एयरपोर्ट के अंदर आपको जीएसटी रिफंड का एक काउंटर है, आप वो पर्ची दिखाएंगे, पर्ची दिखा के जो अमाउंट है जीएसटी का वो आपको इन कैश आपको हाथ में दे देगा। वहाँ जाने से पहले जब आप बोर्डिंग पास ले रहे होंगे वहाँ पे जीएसटी रिफंड का एक काउंटर है जो वेरीफाई करता है आपका फॉर्म, पहले आप वहाँ से वेरीफाई करवा लेंगे एंड वो सील वील करके देंगे सेम पेपर में, वो पेपर आप अंदर ले जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर, और वो मतलब इमिग्रेशन क्लियर करके अंदर जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको कैश आपको दे देंगे। ये याद, तो ये चीज़ एक याद रखें। इंदिरा मार्केट में ये सब नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड कुछ चीज़ खरीद रहे हैं विद बिल, बिल के साथ खरीद रहे हैं, तो आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा, लेकिन हर दुकान में नहीं है, किसी किसी दुकान में रहता है जो रिफंड देते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें जीएसटी रिफंड का। तो ये था एक कंप्लीट गाइड, अगर रायपुर से थाईलैंड अगर आप जा रहे हैं तो ये कंप्लीट गाइड है, ठीक है? आप
को क्या क्या लगेगा, कितना क्या खर्चा है क्या नहीं है, ये सब कुछ पूरा गाइड इसी में है, यही वीडियो पे है। टैक्सी, फूड, कहाँ कहाँ से खरीदना है, एंड हाँ आपको अगेन होटल से अगर एयरपोर्ट जाना है MRT ले ले, MRT अंदर ही रहता है, ट्रेन में आप आराम से जा सकते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन है नहीं। रहा बात फ्लाइट का, अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो रायपुर से आपको जाना है कोलकाता, कोलकाता से आपको जाना है बैंकॉक, स्वर्ण भूमि। अगर आप और पैसा बचाना चाहते हैं तो रायपुर से कोलकाता आप ट्रेन से चले जाए, वहाँ से आप टैक्सी करके एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट कोलकाता से आपको एयर एशिया, इंडिगो एंड एक स्पाइस जेट, ये तीन फ्लाइट जाता है। एयर एशिया आपको दूसरे एयरपोर्ट पे छोड़ेगा, स्पाइस जेट एंड इंडिगो आपको स्वर्ण भूमि में छोड़ेगा। स्वर्ण भूमि से कनेक्टिविटी अच्छा है, आपको बस का सब फैसिलिटी सब मिल जाएगा अगर आप पटाया जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप दूसरे एयर एशिया में दूसरे वाले एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको टैक्सी का थोड़ा बहुत खर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो एक ध्यान रख ले। बैगेज आपका स्पाइस जेट में आपका सबसे ज़्यादा बैगेज अलाउंस है, इंडिगो में कम है, तो आप कुछ बहुत सारा सामान खरीद के ला रहे हैं या प्लानिंग है ज़्यादा सामान लाने का, तो आप स्पाइस जेट में बुक कर ले कोलकाता से, या इंडिगो जो है आपको थोड़ा 5 किलो कम है लेकिन ठीक है। सबसे चीपेस्ट है एयर एशिया, 5,000 तक में मिलेगा, लेकिन अगेन एयर ये इंडिगो एंड स्पाइस जेट वो भी सेम 5,000, 4,000 से 5,000 के बीच में चीपेस्ट टिकट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन अगेन आप पहले से बुक करने से थोड़ा और सस्ता मिल सकता है, या मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 से 7 हज़ार। रायपुर से जाएंगे तो आपको मिनिमम रायपुर कोलकाता बैंकॉक, बैंकॉक कोलकाता रायपुर, ये तीन एयरपोर्ट का मतलब दो फ्लाइट मिला के मतलब चार फ्लाइट का आपको टोटल फ्लाइट का खर्चा पड़ सकता है अराउंड 16,000 मिनिमम, अगर आप पहले से बुकिंग कर रहे हैं तो, नहीं तो 25,000 तक जा सकता है। तो 16,000 से 25,000 अगर आप रायपुर से बुक करते हैं, रायपुर एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट, वहाँ पे उतरेंगे, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, फिर वहाँ का फ्लाइट पकड़ के, दूसरा फ्लाइट पकड़ के आप पहुँचोगे बैंकॉक, और फिर बैंकॉक से रिटर्न, एंड फिर सेम इमिग्रेशन सब हट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट आके डोमेस्टिक का कोलकाता से रायपुर, तो ये पूरा फ्लाइट का खर्चा आपको 16,000 से 25,000 लगेगा। वहाँ जाके बाकी का खर्चा है खाना पीने, अगेन आप क्या खाते हो कितना खाते हो उसके ऊपर है। होटल जैसे बोला 1500 बात मिनिमम, आप समझ के चलिए रूम का रहता है 1500 बात, कहीं पे भी जाइए आप, बैंकॉक या पटाया, जो प्रॉपर अच्छा होटल जो बोलेंगे वो 1500 से 1500 बात से शुरू होता है। टैक्सी बस आपका 100 से 200 बात, 100 से 180 बात मैक्सिमम लगता है बस का आपको, जैसे आप बैंकॉक से पटाया जा रहे हैं, पटाया से वापस आ रहे हैं बैंकॉक, तो 180 मैक्सिमम आपको लगेगा, टैक्सी आपको 2,000 तक लग सकता है। तो ये है आपका कंप्लीट गाइड, होप आपको ये पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाए, एंड लाइक शेयर करें इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, मैं हूँ मनीष, सी यू एंड टेक केयर।